गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जो विधियां थी फर्स्ट कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, उसका अपन ने एक एग्जाम्पल लेके उसको अच्छे से समझा था डायग्राम बनाकर। उसी में एक कन्फ्यूजन था अपने ये कि जेनेटिक जो मॉलिक्यूल्स है उनका संचरण एक दिशा में होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेरोमिक्सिस। मेरोमिक्सिस यानी कि आनुवांशिक पदार्थों का, मॉलिक्यूल्स का एक दिशा में जब गमन होता है तो उस क्रिया को बोलते हैं मेरोमिक्सिस। लेकिन कल अपन ने कुछ एपोमिक्सिस टाइप के पढ़ रहे थे, वो अपना गलत था। वहां पे आपको करना है मेरोमिक्सिस, कहीं पे आपको मेरो भी मिल जाएगा, MERO, मेरोमिक्सिस, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें पुनर्योगज मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, और आनुवंशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक मॉलिक्यूल्स जो है, वो एक दिशा में संचरित हो रहे थे, जिसे अपन बोल रहे थे मेरोमिक्सिस या मेरोमिक्सिस। फिर अपन ने एग्जाम्पल लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन का, जिसे बोल रहे थे अपन संयुग्मन, संयुग्मन से बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ये बोल रहे थे। इस कॉन्जुगेशन के माध्यम से अपन ने ये जाना, रिवाइज कर लेते हैं, कि एक तरफ अगर F प्लस मेल स्टेराइल स्ट्रेन है जिसको F माइनस फीमेल स्ट्रेन के साथ ये दोनों सेल्स पास पास आती है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और उसी टाइम F प्लस मेल सेल, इसमें क्या था, F फैक्टर, जिसे अपन बोल रहे थे सेक्स फैक्टर, जिस कोशिका में ये उपस्थित होगा, इकोलाई की कोशिका में, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और जिसमें नहीं होगा वो F माइनस फीमेल होगी। तो ये थी दाता और ये थी रेसिपिएंट, इसे बोल रहे थे अपन डोनर या दाता, जो आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से जुड़ती है, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब या ब्रिज जिसे बोल रहे थे अपन, उसी के माध्यम से जो एफ फैक्टर है उसका छोटा सा भाग टूट कर एफ माइनस सेल में जा रहा था, और वो एफ माइनस सेल भी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, एफ प्लस मेल सेल में, और एफ प्लस मेल सेल कैसी है, बंदे स्टेराइल प्रकार की है, उसमें बदल रही थी। ये अपन ने समझ लिया था डायग्राम बनाकर अच्छे से। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये है, उच्च बारंबारता पुनर्योगज, उच्च बारंबारता पुनर्योगज ये क्या होता है, कैसे ये बनता है, उसको डिटेल से समझेंगे अपन। पॉइंट है उच्च बारंबारता पुनर्योगज, जिसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको HFR, हिंदी में बोलेंगे उच्च बारंबारता पुनर्योगज, जिसकी फुल डेफिनेशन है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट में HFR। अब ये होता क्या है, ये कौन सी कोशिका होती है, कैसे ये बनती है, उसको अपन डिटेल से समझेंगे। तो
तो जो एफ फैक्टर होता है, एफ फैक्टर, इसका पारगमन, पारगमन जिसे बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या पारगमन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र रूप से होता है। किन पर? बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पर डिपेंड न होकर स्वतंत्र रूप से होता है। ध्यान से समझना, जो एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा था एफ प्लस सेल से एफ माइनस सेल में कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से, उसका ट्रांसमिशन, एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन जो बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम्स थे उन पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि इन एफ फैक्टर के ट्रांसमिशन में बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये काम स्वतंत्र रूप से होता है। लेकिन लेकिन बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसमिशन, लेकिन इससे पहले एक लाइन और जान लेते हैं अपन। अधिकतर परिस्थितियों में एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन बहुत अधिक संख्या में होता रहता है, यानी कि मोस्टली एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी में होता रहता है। अब जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का इस पर कंट्रोल ही नहीं होता है तो ये एफ फैक्टर का ट्रांसमिशन अधिकतर परिस्थितियों में हाई लेवल में होता रहता है, यानी कि एफ फैक्टर बहुत अधिक संख्या में एफ प्लस सेल से एफ माइनस सेल की ओर पारगमित होते रहते हैं। लेकिन लेकिन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं या बैक्टीरियल जीन्स, इनका ट्रांसमिशन बहुत ही कम संख्या में या लो फ्रिक्वेंसी में होता है, का ट्रांसमिशन लो फ्रिक्वेंसी में होता है। इसलिए यदि एफ प्लस स्ट्रेंस से, यानी कि जो अपने पास एफ प्लस प्रभेद है या नर कोशिकाएं हैं उनसे ऐसे डोनर प्रभेदों को अपन अलग कर ले, डोनर स्ट्रेंथ्स को अलग कर लें जिनमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स या बैक्टीरियल जीन्स को हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिशन या पारगमित करने की एबिलिटी पाई जाती हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो एफ फैक्टर है वह बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स पर निर्भर नहीं रहता है पारगमित होने के लिए, इसलिए यह अधिकतर परिस्थितियों में अधिक संख्या में या हाई फ्रीक्वेंसी में पारगमित होता रहता है। लेकिन एक बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है, एक बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी या अधिक संख्या में पारगमित होने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए अपन यदि इस एफ प्लस प्रभेद, ये एफ प्लस कोशिका है, इसके एफ फैक्टर से अपन कुछ ऐसे डोनर प्रभेद या स्ट्रेंस को आइसोलेट करके अलग कर लें
जिनमें इस बैक्टीरियल जीन्स को या क्रोमोसोम्स को भी हाई फ्रिक्वेंसी या अधिक संख्या में पारगमित करने की क्षमता पाई जाए तो यह बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा, जिसे अपन बोलेंगे HFR। क्या बोलेंगे? HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब पुनर्युगल, यानी हेर फेर करके बनाया गया, और उच्च बारंबारता या हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि ऐसा पुनर्योगज या ऐसा रिकॉम्बिनेंट जिसमें उच्च हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट करने की या पारगमित करने की क्षमता पाई जाए, क्या कहलाएगा? HFR। यानी कि यह HFR इन बैक्टीरियल जीन्स को भी हाई फ्रिक्वेंसी में पारगमित करेगा, ट्रांसमिशन करेगा। ऐसी बैक्टीरियल सेल को या ऐसी संरचना को अपन क्या बोलेंगे? HFR। अब ये HFR जो सेल है या जो स्ट्रक्चर है वो F प्लस प्रभेद से कैसे बनती है उसको अपन डायग्राम बनाकर समझेंगे तो अपन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे? इतना समझ में आ चुका आपके? ठीक है, अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। तो अपने यह चीज अच्छे से समझ में आसानी से आ जाएगी। ध्यान से देखना, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका बैक्टीरियल सेल का जीनोम है और ये इसमें पाए जाने वाला F फैक्टर है। F फैक्टर ये है बैक्टीरियल जीनोम या बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए, कुछ भी बोल सकते हो आप। और ये कैसी कोशिका है? एक F प्लस मेल स्टेराइल स्ट्रेन, ठीक है। इससे अपन कौन सी सेल बना रहे हैं? ध्यान से देखना, इस F प्लस मेल स्टेराइल स्ट्रेन में अपन को पता है कि F फैक्टर प्रेजेंट है। इस F प्लस मेल सेल में अगर अपन पारगमन और पृथक्करण जैसी क्रियाएं करके F फैक्टर एवं HFR में रूपांतरित कर सकते हैं, यानी F फैक्टर को अपन HFR में रूपांतरित कर सकते हैं। क्या क्या किया अपन ने? पारगमन किया, पारगमन और पृथक्करण, फिर क्या किया अपन ने? रूपांतरण, रूपांतरण। तो ध्यान देना, अगर इस बैक्टीरियल सेल के जीन्स के या क्रोमोसोम्स के छोटे से पार्ट के साथ अपन इस F फैक्टर को जोड़ दें, जिस F फैक्टर के पास हाई फ्रिक्वेंसी में इन जीन्स को पारगमित करने की क्षमता होगी, तो कौन सी सेल्स बन जाएगी? HFR। तो ध्यान देना, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, ये बन गई HFR। ये देख सकते हो आप, ये राउंड क्रोमोसोम, ये बैक्टीरियल जीनोम, ये आ गया। इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, अब समझ सकते हो आप। ये लो, तो अब ये क्या कहलाएगी? HFR, यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट के साथ
उसने उसमें अपन ने एफ फैक्टर जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि इस बैक्टीरियल जीन्स जो होते हैं वह हाई फ्रिक्वेंसी में पारगमित नहीं हो सकते, कम संख्या में यही यह पारगमित होते हैं, इसलिए अपन इनको अधिक संख्या में पारगमित करने के लिए अपन ने क्या किया, एफ फैक्टर से कुछ ऐसे प्रभेदों को अलग किया जो इन बैक्टीरियल जीन्स को हाई फ्रिक्वेंसी में पारगमित कर सके, इसलिए अपन ने इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ एफ फैक्टर को जोड़ दिया। तो ये एक कौन सा फैक्टर सॉरी सेल बन गई, HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बन गई ये संरचना। समझ में आया? ठीक है, तो ये अपन ने हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट या HFR को डायग्राम बनाकर अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें वो है कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F- फीमेल स्ट्रेन। यानी कि कल अपन ने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था F प्लस और F माइनस का, F प्लस मेल सेल का और F माइनस फीमेल सेल का। आज अपन ने एक अलग ही प्रकार की सेल बना ली है HFR, तो अपन आज HFR और F माइनस फीमेल स्ट्रेन में कॉन्जुगेशन की रिएक्शन करवा के देखेंगे क्या कि रिजल्ट क्या आता है। तो ध्यान से सुनना, जब एक HFR सेल F माइनस सेल के ये दोनों सेल्स पास पास आती है तो इन दोनों के बीच सिंपल सी बात है कि अब क्या बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, एक ब्रिज बनेगा जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। उसी टाइम जब ब्रिज बन रहा होता है उसी टाइम बैक्टीरियल सेल का या HFR सेल का जो राउंड या सर्कुलर जो डबल फाइब्रिल DNA है वह किसी स्थान पर टूटकर लाइनर प्रकृति का हो जाएगा या रेखीय प्रकृति का हो जाएगा और खुद की रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो जो एक उसकी रेप्लिका बनी है, जो उसकी प्रतिकृति बनी है, वह उस ब्रिज के माध्यम से होते हुए F- फीमेल में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस रेप्लिका के साथ कुछ भाग F फैक्टर का भी जाएगा और थोड़ा सा भाग इस बैक्टीरियल जीनोम का भी जाएगा या बैक्टीरियल जीन्स का भी जाएगा। तो यह जीन्स उस F- फीमेल सेल के पास भी जीनोम है, जिस सामान्य सेल बनाऊं में ये रही सेल, इसके पास भी ये जीनोम है जो F- फीमेल सेल है, यानी कि इसके पास F फैक्टर नहीं है तो F- फीमेल सेल हो गई ये वाली F-। ठीक है, तो यहां से रेप्लिका बनकर जब कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से इस F- फीमेल में जाएगी तो यहां पर उपस्थित यह अपने समजात जीन्स या होमोलोगस जीन्स को या क्रोमोसोम्स को रिप्लेस कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे मान लो कि इतना सा पार्ट ये रेप्लिका के रूप में जा रहा है जिसमें थोड़ा सा भाग तो है इस बैक्टीरियल सेल का F प्लस सेल का जीनोम और थोड़ा सा भाग आ गया F फैक्टर का, ऐसे ये जाएगा। तो इसके इनके समजात तो गुणसूत्र होंगे, जीन्स होंगे इस F- सेल में, उनको यह प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से ये लो हटा दिया और इनको इधर साइड में पटक दिया ऐसे, और यहाँ पे आकर ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये लो ऐसे बन गया। अब अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही रेप्लिका बनी इस HFR की, जिसने जिसके पास कुछ नए DNA मॉलिक्यूल थे या जीन्स थे, वह F- कॉन्जुगेशन ट्यूब से होकर F- फीमेल सेल में जाकर अपने समजात गुणसूत्रों को रिप्लेस कर देते हैं और उनके स्थान पर खुद जुड़ जाते हैं। इस प्रकार
यह एफ माइनस फीमेल सेल किस में कन्वर्ट हो गई, एच एफ आर में। ये देख सकते हो अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये एच एफ आर सेल है, ये लो एच एफ आर सेल जिसमें बैक्टीरियल सेल के जीनोम भी है और एफ फैक्टर भी है, तो ये एच एफ आर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जिसके पास कुछ मेल, जो मेल सेल थी एफ प्लस सेल, उसके लक्षण भी होते हैं जो उसको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एच एफ आर सेल से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एक एच एफ आर सेल ने एफ माइनस फीमेल सेल को भी एच एफ आर सेल में बदल दिया। ये जो रिप्लेस किए हुए जीन्स है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को स्टार्ट होने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 8 मिनट का स्टार्ट होने में 8 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्लीट होने में 89 मिनट का समय लगता है। ये रिएक्शन स्टार्ट होगी उसमें 8 मिनट लगेगी और इस रिएक्शन को पूरी होने में 89 मिनट का समय लगेगा। ये अपन ने एक आउटलाइन के रूप में समझ लिया है एचएफआर और एफ माइनस फीमेल में कॉन्जुगेशन कैसे होता है और लास्ट में क्या बनता है, यहाँ पे मैंने समझाया है। इसी को अपन क्लियर डायग्राम बनाकर समझे तो और क्लियरली अपने समझ में आ जाएगा। चलो अपन डायग्राम बनाते हैं अब, क्योंकि अपने समझ में आ चुका है अब। ठीक है, तो जैसे अपन ने थ्योरी में समझा है उसी के अकॉर्डिंग अपन आसानी से इसमें इनके डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ध्यान देना, एक तरफ कौन सी सेल ली है अपन ने, एच एफ आर, और दूसरी तरफ एफ माइनस फीमेल सेल। एच एफ आर मतलब येलो, ये फीमेल सेल। ये तो है एच एफ आर, यह है एफ माइनस फीमेल्स। ठीक है, इन दोनों में, ये दोनों सेल्स जब पास पास आएगी तो इनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये लो बन गई, ये एच एफ आर, ये एफ माइनस फीमेल स्ट्रैंड। जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, ये क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसी टाइम, ये तो इसका जीनोम हो गया, इसी टाइम यह डबल फाइब्रिल डीएनए एक स्थान से टूटकर लाइनर या रेखीय प्रकृति का हो जाएगा। ये लो, एक स्थान से तोड़ दिया, कहीं से भी इसको अलग कर दो, ऐसा हो गया। और यह खुद की रेप्लिका बनाएगा, यानी प्रतिकृति बनाएगा। तो इसने प्रतिकृति बनाई है, ऐसे ये लो इसकी प्रतिकृति। ठीक है, जो आगे क्या होगा इसमें, ये एफ माइनस फीमेल और ये एच एफ आर, यहां पे अपन साइड में भी लिख सकते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है,
ये तो था इसका मेन पार्ट, और ये जो इसमें रेप्लिका बनी थी यह इस ट्यूब के माध्यम से कहाँ चली जाएगी, एफ माइनस फीमेल सेल में। ठीक है, और अपने होमोलोगस जीन को यह है रिप्लेस कर देगी और उसके स्थान पे ये खुद अटैच हो जाएगी। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, बहुत ही इजी डायग्राम है। अगर अपन को थ्योरी समझ में आ चुकी है या अपन ने पहले डायग्राम को समझा है तो अपन आसानी से इसको समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ अपन ये लो इसको अटैच कर देते हैं, ये लो। तो ये जैसे ही रिप्लेस करके ये रेप्लिका इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये एफ माइनस फीमेल सेल में किस में कन्वर्ट हो गई, एच एफ आर में। तो नेक्स्ट डायग्राम अपन ऐसा बना सकते हैं, ये एच एफ आर, ये एच एफ आर, एच एफ आर, और ये भी एच एफ आर। तो इन डायग्राम के माध्यम से अपन देखकर आसानी से कॉन्जुगेशन समझा सकते हैं एच एफ आर और एफ माइनस फीमेल सेल में। इस रिएक्शन को स्टार्ट होने में 8 मिनट का समय लगता है और एक कंप्लीट रिएक्शन जब हो जाती है तो उसमें अगर टाइम काउंट करें तो 89 मिनट यानी 89 मिनट का समय लगता है। समझ में आ गए होंगे डायग्राम अच्छे से, ऐसे ही तो बनाई थी अपन ने हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट जो देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, और ये जो यहाँ पे रिप्लेस किए गए जीन्स थे जो क्रोमोसोम्स का पार्ट था ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे विलुप्त ही कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया है। आपको एग्जाम्पल एग्जाम में किसी भी प्रकार का इनमें से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, आपको पूछ ले कि एच एफ आर एवं एफ माइनस फीमेल सेल में कॉन्जुगेशन को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आपको ऐसे समझाना है। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें वो है एफ प्लस प्राइम मेल एवं एफ माइनस फीमेल सेल में कॉन्जुगेशन। कौन कौन सी, कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ प्लस प्राइम मेल एंड एफ माइनस फीमेल, इन दोनों सेल्स के बीच जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे प्राइम लिया है मैंने स्पेशली। ठीक है, यानी कि एफ प्लस प्राइम से मेल सेल को और एफ माइनस फीमेल सेल को जब इन दोनों के बीच कॉन्जुगेशन होता है तो कई बार ऐसी रिएक्शन हो जाती है कि जब एच एफ आर सेल बनती है तो जो एच एफ आर सेल होती है उससे एफ फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होकर साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है, जिसे बोलते हैं सेक्स डक्शन। तो इस रिएक्शन को, इसे सेक्स डक्शन भी कहते हैं, इस रिएक्शन को सेक्स डक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के अंतर्गत एच एफ आर सेल से एफ फैक्टर बैक्टीरियल
क्रोमोसोम से अलग होकर, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होकर साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। अब कैसे फ्री होते हैं उनको डायग्राम बना के समझ लेते हैं अपन एक बार। जैसे मान लो कि ये कोई F प्लस मेल सेल थी, ये इसका जीनोम था, ये इसका एफ फैक्टर था, एफ फैक्टर, ये इसका बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। अब अपन ने HFR बनते हुए समझा है कैसे बनता है, पारगमन होगा, पृथक्करण होगा और फिर रूपांतरण। रूपांतरण जब हो जाएगा तो एक HFR सेल बनकर तैयार हो जाएगी। HFR सेल में बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होंगे और एफ फैक्टर होगा। ये HFR बनी थी ऐसे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये केसिक सेल है एक HFR, जिसे अपन बोल सकते हैं एफ प्लस प्राइम मेल सेल। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, एफ फैक्टर है, इसीलिए अपन को अपन इसको HFR सेल को एफ प्लस प्राइम मेल सेल बोल सकते हैं। यहां पर अपन ने यही तो लिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सेक्स डक्शन की रिएक्शन हो जाती है, जिसमें क्या होता है, अपन ने क्या लिखा है अभी यहां पे कि HFR सेल से जो एफ फैक्टर है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होकर साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम, कौन सी रिएक्शन हो रही है, सेक्स डक्शन। ये आ गया एफ फैक्टर और ये आ गया थोड़ा सा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बैक्टीरियल सम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैरिड बाय एफ फैक्टर, सम बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कैरिड बाय एफ फैक्टर, यानी कि कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एफ फैक्टर लेकर साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मुक्त हो गया है और बाकी जो मेन जीनोम था वो अलग आ गया है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्स डक्शन। क्लियर है, डायग्राम बनना के मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि सेक्स डक्शन किसे कहते हैं, तो आप समझाना कि HF, कई बार HFR सेल से एफ फैक्टर बैक्टीरियल जीनोम से अलग होकर सेल के साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाता है, जिसे सेक्स डक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।